नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों एक्सपर्ट बताते हैं जिन लड़की या लड़के की ऑयली त्वचा होती है उसके फेस पर ज्यादातर पिंपल रहते हैं, उसके चेहरे पर ज्यादातर मुहासे आते हैं। ये बात सच भी है दोस्तों, लेकिन आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाला हूँ जो कि हर घर में वह चीज पाई जाती है, उसको लगा के आप अपने फेस को वे दाग मुहासों से रहित रख सकते हैं। दोस्तों हर किचन में वह चीज पाई जाती है। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार लाइक अभियान कर दो वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको पसंद आया है या नहीं। तो दोस्तों अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों बेकिंग सोडा जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिस सोडे को एक चम्मच सोडे को निकालिए और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। एक क्रीम की तरह इसको तैयार कर लीजिए, एक लेप की तरह इसको तैयार कर लीजिए और आप अपने फेस पर लगा लीजिए। आपको 15 मिनट तक इस लेप को लगाए रखना है। 15 मिनट के बाद आपको नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से अपने फेस को धो लेना है। धोने के बाद आप अपने चेहरे पर एक चमक महसूस करेंगे। दोस्तों बेकिंग सोडा से हमारे फेस को बहुत सारे फायदे पहुंचते हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है, आपके चेहरे पर यदि पुराने मुहासों के दाग हैं वो मिटना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा फायदा आपको यह है कि आपके चेहरे पर यदि आप हफ्ते में इसको दो बार लगाते हैं तो आपके चेहरे पर मुहासे नहीं आएंगे, चाहे आपकी ऑयली त्वचा हो या कैसी भी त्वचा हो। हफ्ते में इसको दो बार जरूर यूज कीजिए, आपका चेहरा वे दाग रहेगा, मुहासे कभी नहीं होंगे। यदि आपके चेहरे पर दाग है तो वो भी मिट जाएंगे। दोस्तों याद रखना, हफ्ते में सिर्फ इसको दो बार ही लगाना, दो से तीसरी बार कभी भी मत लगाना। याद रखना इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला आपके चेहरे पर, लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ हफ्ते में दो बार ही इसका यूज करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने तरीका भी बता दिया आपको कैसे इसको लगाना है और कितनी देर तक, 15 मिनट तक ही अपने चेहरे पर इसको लगाए रखना, ज्यादा देर तक इसको नहीं लगाना। इसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके चेहरे पर नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज यार मुझे जरूर कमेंट में बताना कि आपको वीडियो पसंद आया है, और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर ही कर लेना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।